मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर स्वागत। ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय नमः, ओम श्री गुरुदेव बताए, ओम सर्वश्री इष्ट देव बताए नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। चुचरण दोस्तों, मैं हूँ कड़ाप्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और ऐसा रोज का पंचांग किसी ज्योतिषी के माध्यम से अगर आप सुनते हैं तो नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमारे भी कुछ तैयारियां होनी चाहिए। हमारे कर्म अंदर बाहर से शुद्ध होने चाहिए, हमारी वास्तु शुद्ध होनी चाहिए, वो शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। हमारा गॉड हाउस और उसमें जो गॉड बैठे हैं वो कुछ शास्त्र के हिसाब से ही होने चाहिए। और तभी जाकर हम इसकी आशा कुछ कर सकते हैं दोस्त। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूं। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का गुरुवार तारीख 13 अप्रैल 2023, शनिवार शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास जैत्र, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों अष्टमी तिथि है। मध्य रात्रि में 1:35 के बाद नवमी तिथि को तिथि का शुरुआत होगा। नक्षत्र दोस्तों पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। सुबह 10:43 के बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र का आरंभ होगा। योग दोस्तों शिव योग है। 12:00 दोपहर में 33 मिनट के बाद सिद्ध योग का आरंभ होगा। करण दोस्तों बालव करण है। दोपहर 2:41 के बाद कौलव करण आरंभ होगा और रात में देर तक 1:35 के बाद तैतिल करण का आरंभ होगा दोस्तों। दोस्तों, अब प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे किस तरह होगी यह अभी हम देखेंगे। सूरज मीन राशि में होगा, चांद धनु राशि में, बृहस्पति अपने मीन राशि में होंगे और शनिदेव कुंभ राशि में होंगे अपने ही। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस प्रकार है। आगमन सुबह 6:25 पर होगा, निगमन शाम को 6:54 पर होगा। आज की पूजा का संकल्प हम इसी पंचांग के आधार से करेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको पहले अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लेना है और संकल्प बोलना शुरू करना है दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो राधने, प्रवर्त मानसद्य ब्रह्मणो द्विती परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भरतवर्ष भरतकटे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चक्र शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरणों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु चैत्र मासे कृष्ण पक्षे गुरुवार वासरे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शिव योगे पालव करने अष्टमी शुभ तिथो मनु गोत्र में उत्पन्न मय कड़ाप्पा मोह पात दुरितक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्य। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्त। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर को, क्षमा करें दोस्तों, सुबह को 10:43 तक है। अगर आपको इस समय के बाद किसी विधि के लिए संकल्प छोड़ना है
तो कृपया करके आप ऊपर जो पंचांग दिया गया है उसका सहारा जरूर लें दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम धार्मिक विधियों के जो मुहूर्त है वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले सगाई तथा मंगनी का मुहूर्त दिया गया है, तारीख 13 और 14। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है अब दोस्तों। नामकरण के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14। मुंडन या चूड़ा कर्म के लिए तारीख दिया गया है 16। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दो दिए गए हैं दोस्तों, तारीख 15 और 16। इसके बाद दोस्तों वास्तु शांति तथा शादी ब्याह भूमि पूजन तथा पायाभरण देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जनेऊ संस्कार या ऐसे किसी भी विधि के लिए अब मुहूर्त चैत्र मास में नहीं है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है, इसे जानकर आप अपने लिए मुहूर्त चयन करें किसी पंचांगदारी से या ज्योतिषी से या किसी पंडित से ले तो। दोस्तों इन मुहूर्तों के अलावा अपने तरीके से या अपने अज्ञान की वजह से या अपने सुख के खातिर या कोई एडजस्टमेंट के खातिर या अपने धर्म दिवस के खातिर खुद होके किसी पंडित के सारे मुहूर्त ना निकाले या किसी पंडित को अपने हिसाब से मुहूर्त निकालने के लिए मजबूर ना करें दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दिए गए इन मुहूर्तों के अलावा और भी कुछ मुहूर्त हटके दिए गए हैं, गौण काल या आपातकाल या चातुर्मास काल या कुछ ग्रहों का अस्त काल, इनका भी आप चयन ना करें क्योंकि यह मुहूर्त आम जनता के लिए नहीं होते हैं, इमरजेंसी विभंग के लिए होते हैं। जैसे कि किसी को विदेश जाना आना होता है या परलोक जाने वाले की इच्छा पूर्ति के लिए या किसी दुल्हा दुल्हन को जबरदस्ती से रिश्ते में बांधने के लिए होता है। दोस्तों इस इमरजेंसी मुहूर्त काल में संपन्न होने वाले धार्मिक विधि से हम कितना खुश हो पाएंगे कुछ कहा नहीं जाएगा दोस्तों। इन मुहूर्त में कुछ कमी की वजह से उल्टे हमारे दोष बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं दोस्तों। दोस्तों आप पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो अब हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले पंचांग शुद्धि दी गई है आज की, आज का दिन अच्छा है दोस्तों। दिन विशेष कालाष्टमी है जो काल भैरव के भक्तगण या शिव भक्त है उनके लिए यह कालाष्टमी बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप हर महीने कालाष्टमी में सूर्यास्त के बाद काल भैरवाष्टक पठन करके उसका हवन अगर करते हैं तो वो सेवा आप अवश्य करें दोस्तों। चाहे वो अपने घर में हो, ज्यादा करके आपको घर में ही करना है क्योंकि वो सेवा अपने घर में रहती है, बाहर की सेवा बाहर ही रहती है दोस्तों। अग्निवास दोस्तों धरती पर नहीं है, इसलिए आप कालाष्टमी अगर पहले करते थे तो आप कर सकते हैं, नए तरीके से आप नहीं शुरू कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। कृपा करके इस काल में आप आपकी महत्वपूर्ण जो कार्य है वो ना करें क्योंकि आपको राहु के वजह से, राहु का समय काल चल रहा है इसके वजह से आपको डर हो सकता है, मन में भय लेके कोई कार्य ना करें। इसके सबसे अच्छा यही है दोस्तों कि ये काल छोड़कर आप अलग समय में कार्य करें ताकि आपको सावधानी से और सहजता से यश प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, ये आज का यह पंचांग यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। संकल्प के साथ की गई पूजा शत प्रतिशत और जल्द फलदायी होती है क्योंकि हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर देना है दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम, शिव शंभो महादेव।